हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ, एकदम बढ़िया। तो गाइस, आज का कुछ सीन ऐसा है कि मैं अभी जा रहा हूँ अपने फ्रेंड को पिक करने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ यार, 11:30 जाने का, बट घर से निकलते 12:15 हो गए। मैं अभी कॉलेज तक पहुँचाऊँ, ठीक है। ऑलरेडी लेट हो गया, उनके कॉल भी आ रहेगी यार, तुमने आना भी है कि नहीं आना है, बता दे सीधा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, उनको पिक करते हैं। बने रहिए चैनल पे, और जो नए हैं यार प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक कर दो, शेयर कर दो, फैला दो, अपने भाई को सपोर्ट करो। आपके भाई को बहुत जरूरत है आपकी सपोर्ट की, सबके प्यार की। और यार सबसे मेन बात की, जैसे मैंने वीडियो बनाई ना, तो मुझे मेरे कजन्स पूछते हैं, छोटे बच्चे जो चाचू और मामा और उनके बेटे हैं ऐसे, वो कहते हैं कि भैया यार आप स्टंट कब करोगे, स्टंट वाले वीडियो जैसे बाकी व्लॉगर्स बनाते हैं। और मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ, बच्चों को और सबको बड़े भी बता देना चाहता हूँ, मेरा चैनल इस चीज़ को प्रमोट कभी नहीं करेगा, ना मैं करूँगा, ठीक है। कुछ स्टंट वगैरह मैं अपने भाई से कभी नहीं करूँगा, ना मैं किसी और को करने दूंगा, ना मैं अपने चैनल में वो चीज़ें दिखाता हूँ यार, ठीक है, ना मैं दिखाऊंगा इन फ्यूचर भी, क्योंकि भाई हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते जिसमें आपकी लाइफ रिस्क में जाए, ठीक है। प्यार भरी राइड, प्यार भरी बातें करेंगे हमेशा, कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो आपके लिए भी यूजफुल हैं, आपको काम आएंगी, हेल्प करेंगी, और जो लाइफ सेविंग है और जिसमें लाइफ का कोई रिस्क ना हो, वही वैसी ही चीज़ें आएंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, और कुछ नहीं आएगा ऐसे उल्टा उल्टा। तो चलो ज़्यादा बातें ना करता हुए चलते हैं, और साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा कि मैं अभी कहाँ पहुँचा। जाम बहुत लग चुका है यार, इतना जाम आई सर, बहुत मुश्किल है यहाँ पे यार, जब से ये ब्रिज का काम चला ना, जाम कुछ ज्यादा ही हो चुका है यार। एक काम करते हैं, हम भी बाकी की तरह शॉर्ट कर लेते हैं, दूसरी लेन से चलते हैं, कि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, टाइम बहुत हो चुका है यार। मिलेगा मिलेगा मिलेगा, यहाँ से जाएंगे हम अंदर। तो यार एक रास्ता है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जाने का, जो एक जाता है मेन हाईवे यहाँ से जाता है, और एक जाता है अंदर से। तो मुझे लगता है आज मैं बाहर से जाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, अंदर थोड़ा ना कंजेस्टेड है, रोड छोटी है, सिंगल रोड से आगे जाके। तो बाहर हाईवे है भाई, थोड़ा सा तो तेज जाएंगे ही हम भी। जल्दी जल्दी आवाज कर लो भाई, घर की रोड नहीं आपके भाई साहब, इन ट्रकों से जितना मुझे डर लगता है ना, मुझे तो हर एक राइडर को लगता होगा, और लगना भी चाहिए यार। सांप सीढ़ी करते हैं रोडों में भी, जैसे सांप सीढ़ी करते हैं, तो दो दोस्त तो एक जैसे थोड़ा सा आगे निकलता है भाई, ये सांप बन के आता है वहां से, डस को डस देते हैं। अरे यार यहाँ पे फिर से जाम मिल गया हमें रास्ते में, और हो गया रहा भाई, इतना दम कहाँ से आ गया यार एकदम से। यार ये जो फ्लाई ओवर का काम लगा ना, ये बहुत बहुत दिनों से लगा हुआ है यार, बहुत ज्यादा दिनों से लगा है ये। इस प्रोजेक्ट होता है 4-5 साल का प्रोजेक्ट है, और जब ये फ्लाई ओवर बन जाएगा, इनकी मार्केट डाउन हो जाएगी। चलो भाई ने कर, हम सबसे यही प्रे करना है यार, सब यही प्रे करते हैं कि किसी का ना घर नहीं रुकना चाहिए भाई, क्योंकि जब घर रुकता है ना यार, बहुत दुख होता है इस यार। मतलब कि कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो जिंदगी से हार भी जाते हैं, हार मान लेते हैं कि नहीं यार क्या करना, जी के फायदा क्या है। जैसे यार किसान के बेटे हैं, किसान लोग हैं हमारे भाई, जो हमें खिलाते हैं यार, हम उनका सोचते ही नहीं है बिल्कुल भी, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके लिए भी बातें करनी चाहिए, ठीक है। वो देखो जब यार पंजाब में कहीं पर भी जाते हैं किसान भाई हमारे, जब भी उनको पानी आता है तो फसल खराब हो जाती है, फसल नहीं होती उनकी, मतलब उस साल की मैंने सारी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो यार कोई किसान भाई हमारे ऐसे होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं यार अपने उसमें जमीन में जाके, है ना।
तो यार वो बहुत दुख लगता है बेचारे, पूरे साल की मेहनत में पानी गिर जाता है, तो यार थोड़ा अजीब लगता है, मतलब कि अफसोस से बहुत होता है यार, है ना। किसको नहीं होता यार, साल भर की मेहनत है, अगर एक का दो दिन उससे है तो भाई क्या फायदा, है ना। लेकिन हाँ यार, बस मैं उन सबको यही बोलना चाहता हूँ कि यार भाई प्लीज अपनी लाइफ को ऐसे खत्म मत कर दो, क्योंकि पीछे तुम्हारे घर वाले भी हैं भाई। कोई बात नहीं यार, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल और मेहनत करो, क्या पता इसका डबल हो जाए, है ना। क्योंकि रब के घर में देर है देर नहीं है यार, ये तो हमें पता है, ये तो हमने सीखा हुआ है जो हमारे बड़े कह के गए हमें, कि रब हमेशा देता है, उसके हाथ हमेशा सबके लिए खुले होते हैं यार, बंद किसी के लिए नहीं होते। तो ऑब्वियसली यार बंद तो वो कभी नहीं करेगा यार किसी के लिए, क्योंकि हम सब उसी के बच्चे हैं, उसी की देन है। तो इसलिए यार बढ़ते रहो यार, रुकना नहीं कभी भी, ये मत सोचो कि आज नहीं मिलेगा तो क्या करूंगा यार, मिल नहीं रहा यार, आज ही कल तो सही, कल नहीं परसों सही यार, मिलेगा तो सही ना, जरूरी नहीं है कि तुम्हें नहीं मिलेगा, हमेशा मिलता है यार, सब्र का फल होता है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, तुम सबको पता ही है। तो इसलिए सब्र रखो और बढ़ते जाओ। पंजाब रोडवेज भाई, किसी बस किसी पैसे तुम बचो ना बचो, एक हरियाणा रोडवेज तो एक पंजाब रोडवेज, इन बसों से तुम जितनी दूरी बना सकते हो ना बना के रखना, क्योंकि ये तो बिल्कुल सबके लिए भाई किसी के, मैं तो स्टार्टिंग से इनसे दूर रहता हूँ भाई, और उल्टे अपने गलती में आते भी नहीं है यार। करते हैं इसको 5000, इसके पीछे नहीं जाना, आगे फिर ठीक है, पीछे से हिट करेगा गलती तो होने का ना एटलीस्ट। ओ भाई कॉन्टिनेंटल वन ऑन फायर। तो गाइस ये आ गया हमारा राम, और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ यार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का। तो यहाँ पे आ गया फाटक, यहाँ से एक और रास्ता था यार फाटक से जाने का, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। इतनी देर आप सब सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और वीडियो में बने रहो एंड तक, ठीक है, ओके। तो भाई आ गई ट्रेन हमारी इंडियन रेलवेज, तो गए जाने जाते रास्ते में किकी भी आता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रास्ता जा रहा है जहाँ पे हम जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बैठ भी लेते हैं यहाँ पे, पैर पैर छोटे छोटे कैफे रेस्टोरेंट्स भी हैं, जैसे कि अभी किकीज गया, शायद आगे भी कुछ हमें और मिल जाए। तो यार कुछ दूर आके ऊपर 2-4 किलोमीटर आके आने के बाद यहाँ पे ये चौक आता है, यहाँ से हमने जाना है लेफ्ट साइड, ठीक है, शार्प लेफ्ट है ये, यहाँ पे जे एंड के बैंक भी आता है, राया का, ये सारा राया ही है गाइस। और यहाँ पे बन रहा है एक बहुत सुंदर सा मंदिर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता, दूसरा रोड यहाँ से जाते जम्मू की तरफ,
जहाँ से मैं आपको आने के लिए कह रहा था कि इंडस्ट्रियल एरिया से आता हूँ, लेकिन अभी मतलब सिंगल रोड है तो आ नहीं पाऊंगा, टाइम पर सही पहुँच नहीं पाएंगे। यहाँ से बस हमें हार्डली 12 मिनट लगे हैं। पे रखे ना मुझे लगता होगी। और भाई यहाँ पे भी हमारे डिलीवरी बॉय जाते हैं यार, एक तो इनके लिए यार अप्रिशिएट है भाई, बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग यार, बिना रुके समझे निकल पड़ते हैं अपने काम को देख के यार। इनसे हमें सीखना चाहिए गाइज, ठीक है, ये लोग भी नहीं शर्म करते यार, ये लोग भी नहीं थकते, ये भी दिन रात बारिश हो धूप कड़कती धूप है कुछ नहीं देखते कैसा मौसम है क्या नहीं है, निकल पड़ते अपने राइड पे, लोगों की अगर उनका सामान बन जाने जो जो उनको नीड है, जो उन्होंने ऑर्डर कराया है, जो उनका काम है, तो यार अगर ये नहीं रुकते तो हम क्यों रुके है ना, तो हमें भी नहीं रुका चाहिए। यहाँ पे यार एक दिन देखा भी बैक बेंचेस करके कुछ चिकन शॉप थी, आप लोग जो नॉन वेज खाते हैं नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए शॉप है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे भी आ सकते हैं। एक पैच और आ गया इसी के साथ और ये पहुंच गए हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये जाता है रास्ता ऊपर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, चलो चलते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं सीधा बाइक से कार पे कैसे आ गया, और उस टाइम दिन था और अब शाम कैसे होगी, तो यार ये मैं शाम को शूट कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे वहाँ पे उसके आगे वो नहीं करने दिया, शूट नहीं करने दिया, तो आप सबको मैंने वो रास्ता पूरा बता ही दिया। तो मैंने वहाँ से अपने फ्रेंड को पिक किया, वहाँ से हम कुछ खाने गए। तो आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक कर दो, शेयर कर दो, तो ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।